भारत माता की जय, भारत माता की जय। गलती हो गई, इससे स्वीकार हूँ मैं, कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मध्य प्रदेश से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहाँ फैजल निसार उर्फ फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद फैजल निसार को जबलपुर में सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उसे जमानत देते हुए एक अनोखी सजा सुनाई, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी कि उसे हर महीने में दो बार भोपाल के मिसरौद थाने में जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। यह सजा उसके मुकदमे की समाप्ति तक जारी रखनी होगी। अदालत ने उसे महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस अनोखी सजा की पहली किस्त आज फैजल ने पूरी कर ली। वह भोपाल के मिसरौद थाने पहुंचा और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में फैजल ने बताया कि उसने नशे की हालत में यह गलती की थी, उसे अपनी गलती का पछतावा है और वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय ही कहूंगा मैं। जो गलती होगा इससे स्वीकार हूं मैं, और जो मेरे को हाईकोर्ट ने पालन दिया है वो मैं करता रहूंगा हमेशा, और कानून का भी करूंगा, देश का भी करूंगा। बोलूंगा मैं जहाँ पे जाऊंगा मेरी दुनिया, जहाँ पे मेरे कदम है, जहाँ तक के हिंदुस्तान, जहाँ तक का रील बनाने के चलते हुआ था जी। किसने कहा था आपको चैलेंज किया था? किसने चैलेंज किया था ये अब उनका नाम तो मालूम नहीं मुझे। अब वो एक वीडियो बना रहे थे, अब वो रील हो गई। अब बस इस तरह क्या बोला था आपसे? जो लोग वीडियो बना रहे थे उनसे भी कहोगे क्या बोला? उन्होंने क्या चैलेंज किया था आपको कि तुम मुस्लिम हो क्या पाकिस्तान? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया, ऐसा कोई चैलेंज बस यही किया था कि वीडियो बनाना, अपन को एक डालना है रील। अब देखो कौन नहीं बनाता, हीरो सनी देओल ने बनाया है, अब उसके चक्कर में मैंने गलती हो गई है। अब इससे मेरे को सहमत हूँ, कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष का कहना है कि फैजल का कृत्य देश विरोधी है और इससे विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैल सकती है, इसलिए उसे जमानत नहीं देनी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष का यह तर्क था कि फैजल को झूठे मामले में फंसाया गया है, वह इसी देश का नागरिक है और उसे अपनी गलती का एहसास है। राज्य सरकार के वकील ने भी फैजल की जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि फैजल एक आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस डी के पालीवाल ने फैजल को जमानत देने का फैसला सुनाया। साथ ही उन्होंने फैजल पर यह शर्तें भी लगाई कि उसे 50,000 रुपए का बॉन्ड भरना होगा और हर महीने में दो बार थाने जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और भारत माता की जय का नारा लगाना होगा।